नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुजारी जी में। यहाँ हम आपको अवगत कराते हैं हर नई ज्योतिष गतिविधियों के बारे में एवं पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2018 का नया साल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि के जातक बेहद संवेदनशील और जिज्ञासु होते हैं। परिवार और बच्चों के साथ बहुत लगाव होता है। सफेद वस्तुओं और जल तत्व से जुड़े व्यापार या नौकरी में लाभ होता है। परिवार पारिवारिक मामलों के लिए यह वर्ष अधिक अनुकूल नहीं है। वर्ष के प्रथम भाग में कुछ विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिरोधात्मक शक्ति विकसित करें और आत्मनिर्भर बनें। वर्ष के दूसरे भाग में सभी परेशानियां कम होने लगेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष अधिक अनुकूल नहीं है। आर्थिक स्थिति को लेकर या किसी परेशानी के कारण दिमागी तनाव हो सकता है। खान पान पर संयम रखें, अन्यथा उदर विकार होने की संभावना है। बेवजह यात्राएं करना भी ठीक नहीं होगा। जोखिम उठाने वाली प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वर्ष के प्रथम भाग में प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। प्रियजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन वर्ष का दूसरा भाग प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूल रहेगा। प्रेम के अलावा सगाई के योग भी निर्मित हो रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री ने बताया कि जीवन साथी के साथ भ्रमण का अवसर मिलेगा। दूर देश स्थित किसी व्यक्ति से भी लगाव हो सकता है। नए जुड़ रहे प्रेम संबंध आपकी स्थिति परिस्थिति से ऊंचे दर्जे के हो सकते हैं। वर्ष के पहले भाग में कार्यों में अड़चने आ सकती हैं। शनि और राहु का गोचर अनुकूल ना होने से कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। किसी भी व्यावसायिक यात्रा को करने से पहले भली भांति जांच लें कि वह यात्रा लाभकारी है या नहीं। वर्ष के दूसरे भाग में स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष पदोन्नति मिल सकती है। सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करेंगे। आर्थिक मामलों के लिए वर्ष का पहला भाग अधिक अनुकूल नहीं है। परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण व्यय हो सकता है, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति बेहतर होना शुरू होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री ने बताया कि यदि आपके पास कोई पुराना कर्ज है तो इस वर्ष उससे छुटकारा पाएंगे। व्यापार में अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा। जो जातक विदेश या दूर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वर्ष का प्रथम भाग उनके लिए अत्यधिक अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में शिक्षा के स्तर में सुधार होना शुरू होगा। आत्मविश्वास मजबूत होगा। दर्शन शास्त्र या अन्य परंपरागत विषयों के विद्यार्थियों को शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो बेल आइकॉन पर जाकर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पुजारी जी।